हल्द्वानी की चौफला कटघरिया निवासी जानकी पोखरिया ने अपने खड़े मसालों के व्यापार से कई जरूरतमंदों का जीवन महका दिया है। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्होंने कई लोगों को भी रोजगार से जोड़ा है। मूल रूप से पिथौरागढ़ की रहने वाली जानकी पोखरिया हल्द्वानी में चौफला चौराहे के पास नवीहारी कॉलोनी में रहती हैं। 2019 में खड़े मसालों का उन्होंने व्यापार शुरू किया और ठान लिया कि अब इस काम को ही आगे बढ़ाना है। आज वह स्वयं तो सक्षम है और साथ ही औरों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। जानकी के मसाले पहाड़ों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, वहीं धीरे धीरे उनकी टीम भी आगे बढ़ रही है। जानकी की अब बस एक ही तमन्ना है कि वह अपने ब्रांड को एक बड़ी मसाला कंपनी में तब्दील करने के साथ उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों तक भी ले जाएं। मैंने ये गृह उद्योग का काम मैंने 2019 में शुरू किया था अप्रैल में। तो शुरू में मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए करके, तो घर बैठे वाला, तो घर में बैठ के काम करूं और दूसरों के अंडर काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं खुद का कुछ काम करूं और मैं दूसरों को रोज़गार दूं, इस टाइप का मैं सोचती थी। फिर मैंने यूट्यूब में देखा, सबसे पहले मैंने रुई बत्ती का काम शुरू किया था। फिर रुई बत्ती लेके मैं पास की दुकानों में गई थी। फिर वहाँ दुकान में एक दुकान वालों ने बोला कि कोई खड़ा मसाला भी लाते हैं। फिर मैंने खुद ही आइडिया लगाया कि खड़ा मसाला जो अलग अलग खरीद के लाते होंगे, फिर मिक्स करके बनाते होंगे। उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था खड़ा मसाले के बारे में। फिर मैंने पाउच देखे दुकानों में, रेट पूछा कि किस रेट में आप रखते हो, कितने का बिकता है। फिर देखा उसको, घर में लाई, फिर उसको फिर मैं मार्केट से सामान लाई, मसाले और पाउच और वेट वाली मशीन। तो फिर उसको स्टार्ट किया खड़ा मसाला, फिर लोकल की दुकानों में दिया सबसे पहले। उसके बाद फिर सारे बहुत से प्रोडक्ट शुरू हो गए धीरे धीरे। मेरे ड्राई फ्रूट हैं, काजू बादाम किशमिश, बहुत से प्रोडक्ट हैं। फिर मैंने पैकिंग वाली लेडीज़ भी रखी। और पिछले साल लॉकडाउन में काफ़ी जैसे लेडीज़ों को स्कूल से, स्कूल में काम करती थी जो महिलाएं, उनको स्कूल से मतलब सैलरी नहीं मिलती थी, वो मेरे पास आए काम के लिए, तो उनको मैंने काम दिया। और काफ़ी लोगों को जो कंपनी से निकाल दिया था पिछले साल लॉकडाउन में, तो उनको जो भी मेरे पास आए सबको काम दिया मैंने। और अभी भी आजकल भी जो भी परेशानी बताते अपने पास कि हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो काम मिल जाएगा आपके पास तो सेल्समैन के लिए, तो जो भी आते हैं उनको काम मिल जाता है इधर। और मेरा अभी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए जो अभी पहाड़ों के ओर भी सप्लाई हो रहा है काफ़ी। और मैं यहाँ पिछले 2020 से यहाँ लगी हूँ। जब मुझे पता चला कि यहाँ ये पैकिंग का काम होता है, गृह उद्योग है का काम होता है, तो हम दीर के पास आए और दीर ने हमको जो भी मतलब हमारे साथ के है उनको काम दिया हुआ है। हमको बहुत चीज़ सीखने को मिलती है इन चीज़ों इनसे, और ये हमको भी थोड़ा इससे फ़ायदा होता है। हमारा घर का थोड़ा इन चीज़ों से हमारे भी फ़ायदा हो रहा है, घर चलता है।